14 से 20 नवंबर तक चलाए जा रहे बाल सुरक्षा सप्ताह जागरूकता कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान शहर के भीड़भाड़ वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर सुरक्षा सप्ताह का समापन किया गया। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में बच्चों और आम नागरिकों में गुड टच बैड टच, पॉक्सो एक्ट, अभिव्यक्ति ऐप, मानव तस्करी, साइबर सुरक्षा के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किए गए। पुलिस मितान के सदस्यों और आपातकालीन परिस्थितियों में अभिव्यक्ति ऐप का उपयोग कर नशा मुक्ति अभियान के संबंध में नवा ध्यान पर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में नाटक के जरिए जागरूकता का सतत प्रयास किया गया। ऐप लॉन्च किया गया है सरगुजा पुलिस के द्वारा। हम लोग अभी उसके बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं कि जो लड़कियां अपने घर वालों से दबके जो अपना आवाज़ नहीं ले पाती हैं, अपनी स्टैंड नहीं ले पाती हैं, उसमें उनको बस एक SOS बटन क्लिक करना है, जिसके 5 से 7 मिनट के अंदर पुलिस जो सबसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो उनके मदद के लिए पहुँच जाए। हम लोग अभी आई मंथन के सदस्य हैं, पुलिस कमेटी द्वारा ही मतलब पुलिस की हेल्प करने के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए हैं, और हम लोग स्किट के माध्यम से, डांस के माध्यम से और पुलिस की सहायता करते हैं। जैसे कि अभिव्यक्ति ऐप निकला हुआ है हिम्मत कार्यक्रम से रिलेटेड, उससे रिलेटेड हम पुलिस की हेल्प करते हैं, जिसमें हम स्किट दिखाते हैं कैसे घटनाएं होती हैं, किस प्रकार हमको एक्शन लेना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, इसमें हम लोग पुलिस की सहायता करते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के द्वारा। बाल सुरक्षा सप्ताह 14 नवंबर से 20 नवंबर के बीच संचालित हो रहा है, तो उसी में आज बाल सुरक्षा सप्ताह का समापन कार्यक्रम रिलायंस स्मार्ट जो है अंबिकापुर में रखा गया था। इसमें सरगुजा पुलिस के द्वारा बालकों की सुरक्षा से संबंधित जागरूकता फैलाई गई, और यहां पर अभिव्यक्ति ऐप, नवा बिहान, इन सभी योजनाओं का जो सरगुजा पुलिस के द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत चलाया जा रहा है।